आपने सड़कों पर सफर तो खूब किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि सड़कों पर जो लाइनें खींची गई होती है उनका क्या अर्थ होता है? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हर तरह की और हर रंग की लाइन का अपना अर्थ होता है। सड़कों पर हमें दो तरह के रंगों की पट्टियां खींची नजर आती है, पीली और सफेद। दोनों का अपना अपना अर्थ होता है। हमारे देश में लोगों को अधिक से अधिक केवल ट्रैफिक सिग्नल के बारे में जानकारी होती है। यातायात के नियमों को लेकर समाज में लोगों को कम दिलचस्पी रहती है, इसलिए कम ही लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है। तो चलिए जानते हैं इन पट्टियों के बारे में। तो पहले जान लेते हैं लंबी सफेद पट्टी के बारे में। जब भी किसी सड़क पर आप सफेद लंबी पट्टी को देखें, तो इसका मतलब ये समझ लें कि सड़क पर लेन का बदलना मना है। ध्यान रहे, सफेद पट्टी बीच बीच में टूटी नहीं होनी चाहिए। टूटी हुई लाइनों का अलग मतलब होता है, इसलिए जब सफेद लंबी पट्टी को देखें तो आप समझ लें कि आपको एक ही लेन में चलना है। अब जान लेते हैं टूटी सफेद पट्टी का मतलब। जब सड़क पर टूटी हुई सफेद पट्टी सड़क के बीचों बीच दिखे तो इसका साफ मतलब होता है कि आप लेन बदल सकते हैं, लेकिन आपको पीछे आने वाली गाड़ियों पर ध्यान रखना होगा ताकि कोई हादसा ना हो। पीले रंग की गहरी पट्टी। देश में कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पर सड़कों पर पीले रंग की गहरी पट्टी बनी होती है। इसका मतलब ये होता है कि आप दूसरों को पास दे सकते हैं, लेकिन आपको पीली रेखा को बिल्कुल भी पार नहीं करनी है। इसके अलावा इस पट्टी का अलग अलग राज्य में अलग अलग नियम होता है। तेलंगाना में इस पट्टी का उल्टा मतलब होता है, वहाँ आप पीली पट्टी वाली सड़क पर ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं दो समांतर पीली पट्टी के बारे में। जिन सड़कों पर दो समांतर पीली पट्टियां बनी होती है तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पर किसी भी वाहन को एक दूसरे से ओवरटेक करने की मनाही है। मतलब ये है कि सभी वाहन एक दूसरे के पीछे सामान्य गति में चले। यह सड़क एक लेन को दो हिस्सों में बांटती है। तो अब जान लेते हैं टूटी पीली लाइन के बारे में। टूटी पीली लाइन का मतलब है कि आप अपनी रफ्तार बढ़ाकर दूसरों से आगे निकल सकते हैं, लेकिन इस दौरान आप अपनी और अपने आगे पीछे चलने वाले की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें ताकि कोई भी चोट ना पहुंचे। तो अब जान लेते हैं सीधी पीली पट्टी के साथ बनी टूटी पीली पट्टी के बारे में। यह दो तरह की पट्टियां होती हैं। एक सीधी लंबी पीली लाइन होती है और दूसरी इसी के साथ चली आ रही लाइन, लेकिन वह बीच में टूटी होती है। अगर आप सीधी पीली पट्टी की तरफ गाड़ी चला रहे हैं तो ओवरटेक नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप निश्चित दूरी पर बनी टूटी पीली पट्टी की तरफ गाड़ी चला रहे हैं तो आप ओवरटेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो जरा से भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यार। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ।